हेलो प्यारे बच्चों हाउ आर यू ऑल आर फाइन वेरी गुड सो लेट नाउ बिगिन एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स हिंदी में वृत्त बोलते हैं. अब इसमें दो थ्योरम है थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों याद कर लो -ए टी एच ई आर ई एम थ्योरम मींस प्रमेय. यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट जो दूसरी चीजों को प्रूव करने में काम आता है सिद्ध करने में काम आता है याद कर लो मीनिंग अब मैं पहले थ्योरम इसमें पहले दो थ्योरम पढ़ेंगे थ्योरम 10.1 में इक्वल ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर यानी कोड मीज जीवा एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है ये सब वर्ण आएगा इंग्लिश वाले बच्चों आप भी सुन रहे हो सप्टेन मीन्स टू मेक टू मेक या हिंदी में बोलते हैं बनाना ठीक है ये याद कर लो एंगल के लिए वर्ड यूज होता है एंगल सबेंडेड बाय सो एंड सो ठीक है सबटेंड मीन्स बनाना सबटेंड ये याद कर लो हिंदी वाले बच्चों आपके इंग्लिश का भी इंप्रूवमेंट या साथ में फ्री में हो रहा है तो अब यहां पे मान लो एक सर्कल है एक वृत्त है कोड मीन्स जीवा जीवा तो यहां पे मैं अगर कोई ऐसी एक कोई कोड ले लू बी और ए बी ने इस सेंटर ओ पर कोई एंगल बनाया कोई कोण बनाया इकोड़. मान लो ए बी के जितना ही कोई एक दूसरा में दूसरी कोई जीवा ले लू दूसरा कोई कोड ले लू कोई भी कहीं पर भी इक्वल इक्वल ना समझ में सी डी AB एंड सी डी इक्वल इनको सेंटर से ज्वाइन कर दो केंद्र से मिला दो ठीक है? तो ये दो एंगल बन रहे हैं आपके एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये ये बन रहा है, है? ठीक तो टू एंगल्स, एंगल वन बना ये एंगल टू बना आपको दिया है AB एंड सी डी इक्वल है सिद्ध करना है कि एंगल बन तो एक तो इसको याद रखना सिद्ध करने की तो कोई ज्यादा आता नहीं है बट आपको याद रखना ठीक है एंगल वन और एंगल टू इक्वल प्रूफ करना कैसे करते हैं इसका प्रूफ प्रूफ तो कोई पूछता नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं ठीक है इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सीओडी ओके क्या होगा एओ इक्वल टू डीओ कर दे एओ इक्वल टू सीओ कर दो क्यों है बताइए बताइए एंड बीओ इक्वल टू डीओ ये क्यों है बताइए बताइए क्यों है एक ही सर्कल की रेडियाई एक ही वृत्त की त्रिजिया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एक सर्कल की त्रिज्याएं हैं और दूसरा ए बी ये कहां से पता चला भाई ये गिवन है दिया हुआ है ठीक है देयर फोर ट्राइंगल ए बी टू ट्राइंगल सी ओ डी हो गया कौन सा क्राइटेरिया एस 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 रूल से हो गया जब ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल हो गए भुजा 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 भू 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 तो इसका मतलब एंगल वन एंगल ए बोले एंगल इक्वल टू एंगल सीओडी डी या फिर हम बोलेंगे और वी कैन राइट एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ये कर दो सीपीसी सीपीसी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्राइंगल्स या सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग ये प्रूव हो गया याद रखना प्यारे बच्चों ठीक है आपको ये प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आप सिर्फ याद रखना अगर ये कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेगा ठीक ये हमारे सबूत है उसमें एक्सरसाइज में काम आएगा ठीक ये आपको समझ में आके नोट कर लो और समझ लो अगली थ्योरम हमारी हमारे टेन पॉइंट टू इसका उल्टा रिवर्स रिवर्स टेन पॉइंट टू में क्या बोला है क्वल इफ एंगल्स आर इक्वल अगर ये एंगल इक्वल है एक ही सर्कल में तो कोर्ट भी इक्वल होगी ठीक है अब मैं मैं ये तो ही था अभी मैं इसको मिटा के दूसरा करता हूं ठीक है दो थ्योरम समझेंगे फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे अब थ्योरम नंबर टू देखिए उसका रिवर्स है पहले था कि कोर्ट्स इक्वल है तो एंगल इक्वल बनेगा अब ये बोल रहा है अगर एंगल

क्यों है बताइए बताइए रेडियो ऑफ सेम सर्कल समझ में आया रेडियो ऑफ सेम सर्कल हो गया एस ए एम ई दूसरा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू गिवन है दिया हुआ है तीसरा बीओ इक्वल टू डीओ। ये रेडियो ऑफ सेम सर्कल ये बात समझ में आई आपको आपको पता ही है तो आप देखो एंगल साइड एंगल साइड ट्राइंगल एगल सी ओ डी मदद किया आपकी? S, A, S, सास ने की? क्योंकि सास भी कभी बहू थी इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू सी डी समझवाया कहानी यहां लिख दो सी पी सी टी एच पी कर दो ये बात समझ आई तो दो थ्योरम है अगर कोड इक्वल है गिवन में तो एंगल इक्वल होगा या एंगल इक्वल, इक्वल गिवन है तो विल बी इक्वल अब इन्हीं दो थ्योरम का हम हेल्प लेंगे और हमारी एक्सरसाइज टेन पाई टू हम कर डालेंगे ठीक है जितनी थ्योरम होगी सारी थ्योरम आप ये एग्जाम में थ्योरम खुद प्रूव करने को कमी पूछते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं ठीक है या फिर कोई एग्जाम्पल हो तो देखते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज ही है अब एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू का पहला सवाल आपके लिए रहा ठीक है क्वेश्चन इस बुक में लिखा है रिकॉल रिकॉल दैट याद करो अपनी याददाश्त ले जाओ द टू सर्कल्स आर इफ दे हैव द सेम रेडियो दो सर्कल अगर सर्वांग है तो अग, कब है यदि उनकी त्रिज्याएं समान है में समय यानी इसने दे दिया है कि कॉन्ग्रवेंट सर्कल्स रे हैव सेम रेडिई ठीक है तो प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉंग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर समझ में आया यानी हिंदी में याद वो तो हो गया सिद्ध करो कि समान जीवाएं सर्वांगसम और वृत्तों की समान जीवाएं, सम जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है इंग्लिश में लिखा है क्लियर है तो मैंने पहले रेडी कर दिया दो सर्कल मैंने बना दिया एक ब्लैक कलर में एक रेड कलर में ठीक तो है गिवन में टू सर्कल्स विद सेंटर्स एंड तो जनरली या हमारा रिवाज है परिपाटी है मैथमेटिक्स के अंदर प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू यानी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ओ डेल्टा ओस्कर ये करना अब प्रूफ में आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेट प्रूव करने ठीक है कैसे करेंगे बताइए इसमें पहले लिखे इन ट्राइंगल जिस वो, जिसको आप कॉन्ग्रेट प्रूव करना चाहते उन ट्राइंगल का नाम लिखिए इन ट्राइंगल ए सी बी एन ट्राइंगल आई टेक पेन नोट एंड ट्राइंगल ए सी बी एंड डी ओ, -ओ समझ आया तो ये जब देखो सर्कल तो उनकी तो सेम ही होगी आई विल राइट ए सी इक्व टू डी ओ एसी टू डी ओ दूसरा ईओ e ये लिखो बी सी बी सी इक्व टू ईओ लिख दो ये दोनों का सेम रीजन है बड़ा सा कर दो ऑफ दो आइए ऑफ कॉन्ग्रवेंट अब सेम सर्कल में लिखना कॉन्वेंट सर्कल्स हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लिखेंगे सर्वांग समय की त्रिज्याएं ठीक है अच्छा अब क्या ए बी टू बी लिख दो ये कहां से मिला कहां से मिला ये देखो दिया हुआ है ना गिवन लिखो आप हिंदी वाले लिखेंगे दिया हुआ है त्रिभुज ए सी बी टू ट्राइंगल डी ओ डी हो किसने मदद की आपकी किसने नहीं की एस 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 ने की ठीक है ना हमेशा उसके बारे में नहीं सोचना ठीक है एस 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 रूल अब आपको एंगल, एंगल, टू? एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कारण बता दो सी पी सी टी बड़ा लगे ठीक है और लिख दो एचपी लिख दो वगैरह हो तो ठीक कर लेना ठीक है, है बच्चों वेरी गुड अच्छे बच्चे अब करते हैं दूसरा सवाल इसका लिख लो इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर को लो आराम सेकंड क्वेश्चन उसका थोड़ा उल्टा रिवर्स ऑर्डर का है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेट सर्कल्स सब्ट इक्वल एंगल्स एट दैट सेंटर मतलब देन द कोड्स आर इक्वल मतलब देन द the इन द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रस हाँ अगर ये कोड इक्वल एंगल बनाती है उसका पहले उल्टा तो आप सिद्ध कीजिएगा कि ये कोड इक्वल है यानी ये जीवाएं बराबर है मतलब हिंदी में मैं बात करूं अगर सर्वांग जीवाएं समान कोण बनाती है केंद्र पे तो सिद्ध कीजिए कि वो जीवाएं समान है थोड़ा उल्टा तो मैंने लिख दिया है सर्कल वो सेम काम आ गए ये मैंने मिटा या नहीं एडिट कर दिया आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा टू कॉन्ग्रेड सर्कल विजिबल ऑल्सो एंगल वन एंगल टू दिया पिछली बार में आपको एंगल वन एंगल टू प्रूव करना था इस बार ये दे दिया ए बी बराबर डी ई ये आपको प्रूव करना है तो अभी वही कहानी दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेट प्रूव करेंगे ठीक है तो क्या अभी कौन सा तरीका होगा बताइए देखते हैं कौन आपके पास क्या क्या है आ, पहले ए सी भी है तो ट्राइंगल वी लाइट ए सी इक्वल टू इसका ए सी इसका ए सी तो कोरिस्पॉ कौन है ए सी लिखा तो डी ओ लिख दो डी ओ लिख दो से पता लगा कौन है ये रेडिया ऑफ कॉन्ग्रवेंट सर्कल अब आप सोच रहे हैं कि सर दोनों ही एक ही साथ क्यों नहीं लिख दें कौन सी ये भी तो है ना ये नहीं लिखे क्योंकि आपकी मदद करेगी एस ए एस तो ऑर्डर में लिखना पड़ेगा एंगल वन इक्वल एंगल टू अब एंगल वन इक्वल एंगल टू क्या है ये कहां से मिला गिवन ठीक है ये दिया फिर ये वाला कर दे बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ईओ ये वापस लिख दो रेडियाई डबल आई ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रू जी आर यू ई लिख दिया अब ये हो गया साइड एंगल साइड बड़ा लिखो फ़ॉन्ट साइज विजिबल और नोट तो ये साइड साइड एंगल था इसलिए मैंने दो साइड लिखता था, जो एस 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 ए नाम की कोई क्राइटेरिया नहीं है देर फोर ट्राइंगल ये ध्यान रखना ट्राइंगल ए सी भी सेम पहले वाला ए सी भी कॉन्ग्रवेंट टू ट्राइंगल ए सी भी लिखा तो वो डी ओ -E लिख दो ऑर्डर मस्ट बी मेंटेन प्यारे बच्चों अब किसने मदद की आपकी इस बार उसने की जो आप सोच रहे हैं आ सास ने की क्योंकि सास भी कभी बहुत ही थी. ठीक है अब आपको प्रूव क्या करना है ए बी इक्वल टू डी इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू डी कहा से मिला सी पी सी टी ये हो गया हैं बच्चों इसको कॉपी कर लो लिख लो आराम से वीडियो को पोज करके अपनी बढ़िया वाली नोटबुक में सुंदर से सुंदर हैंडराइटिंग आप लिखेंगे तो दिस वॉज एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय